लाजो लाजो आज आज दाखिला भी हो गया और निशान भी मिल गया है। अब तो सिर्फ 22 तारीख का इंतजार करना है। 22 तारीख को इलेक्शन हो जाएगा, उसके बाद में शहतारुक को मालूम हो जाएगा कौन गांव कुशैला का मौजूदा प्रधान बनता है। प्रिय लाजो आओ आराम करते हैं। कहो सच कहती हो, इतने भगवान की बस ऊपर वाले की मेहरबानी है। प्रिय लाजो हो मेरा राम की कृपा से सब काम हो रहा है। साहब नमस्कार। नमस्कार, क्या नाम है तेरा? मेरा नाम बनवारी लाल राजवंशी है। बनवारी लाल राजवंशी आपका नाम है? जी सर। हाँ सर, कहिए क्या कहना चाहते हैं? नहीं, मैं किसी का मर्डर क्यों करूंगा, क्योंकि श्यामू हमारे काका थे, हमारी हर समय पर मदद करते थे। ऐसा नहीं मैं कर सकता। कानून की आंखों में धूल झोंक रहे हो तुम, जो जूता पहन रहे थे तुम्हारा जूता क्या हुआ? जूता एक हमारे घर में रखा सर, एक जूता हमारा चूहा या बिल्ली या कुत्ते उठा करके ले गए। यानी तुम्हारे कहने का मतलब कि एक जूता चूहे और बिल्ली उठा ले गए, एक रखा है? हाँ एक तो रखा है सर। हम तो बेवकूफ हैं जो इधर से उधर घूम रहे हैं। आपके पास इतना दिमाग है, पढ़े लिखे इंसान है। जूता किसका यार भैया? हमारा ही जूता है। कहाँ था जूता? ये जूता घर में हम सो रहे थे, ये 4 साल पुराना जूता हमारा चमड़े का है। हम सरपंच जी के वहाँ काम करते थे, सरपंच जी ने हमें जूता बनवाया था। ये जूता बता रहे हो चूहा बिल्ली टांग ले गए होंगे, लेकिन ये श्याम के वहां क्यों मिला? क्या कह रहा है सर? ये तो झूठ, एकदम झूठ बता रहे हो। हमारा जूता वहां बनवारे। इतना झूठ मत बोलो, क्या के पुलिस के फंदे से बचना मुमकिन है? बनवारे कहो सर, जैसा कोई जग में कातिल नहीं। Die!
और खून मैंने चाचा का किया ही नहीं। हवलदार, हवलदार लगाओ साले के हाथ काले। नहीं सर, सल्ला कब ले चला? नहीं सर, जब वहां सरकारी पट्टा चलेगा तो सारे गुनाह साला आप ही सरकार कर लेगा। ले चला, मैं निर्दोष हूं, मुझे दोषी मत बनाओ सरकार। और मैं हूं निर्दोष, दोषी बनाओ। इल्जाम मुझ पर लगा। ससुरी माता चल अपने खसम से खून कराती है और बनी ससुरी घूम रही है। देखो कैसे मेरी बात सुनो। भला कर भला होगा, बुरा कर बुरा होगा, नेकी और बदी का बल। पुलिस को जानते हैं बद्धी का सांप किस प्रकार से बनाती है। मैं बद्धी का सांप बनाऊंगा तेरे खसम को ससुरे सवारूंगा। भगवान बंद करो यार, अब मैं कहां जाऊं? ठीक है, आई हम बताएं मुझे लखपत राय वर्मा के दरबार में जाना चाहिए। और हम चलो प्रधान तेरे भाई कर ले थोड़ा ले भाई चले। चलो हां जल्दी चलो प्रधान जी, मैं ले जा ना पावे थाने। हरि हरि कदम पर कोई कातिल है कहां पानी का जाम नहीं। और सुषेणा मिटाया तो लखपत राय नाम नहीं, नहीं। सच कहा मेरे बेटा, कहिए पिताजी। चलो अब इलेक्शन हमारे तुम्हारे हाथों में आकर ही रहेगा। अब तो कोई लड़ने वाला है जब बचा नहीं है। चलो आओ बैठ, आओ बैठते हैं। अरे तुम कौन हो, यहाँ कैसे आई हो, क्या नाम है तुम्हारा, कहाँ के रहने वाली हो? अरे हाथ जोड़ू पड़ू पाया जी।
उधर आओ, तुम्हारा क्या नाम है, कहाँ की रहने वाली हो, किस लिए आई हो बताओ। मुझे लोग लाजो कहते हैं। यानी तुम्हारा नाम लाजो है। और मैं कुशैला गांव की रहने वाली हूँ। तुम कुशैला गांव की रहने वाली हो। और मेरे पति का नाम बनवारी है। नौकर, ये बनवरिया की औरत है, लेकिन ये किस लिए आई है? पिताजी लाजो थी, किस लिए आई हो बताओ, क्या काम पड़ गया तुम्हारा? मालिक कहिए। जेल में है बसे मेरे स्वामी, सुनो आज चल करके उनको चला दीजिए। बात मानो मेरी, बात मानो मेरी, कर दया कृपा मुझको बचा लीजिए। खोला जी, मेरे स्वामी जेल में फंसे हुए, यानी जेल में फंसे, लेकिन किस जुल्म में फंसे हैं? उसका जुल्म क्या था तुम्हारे पति का बताओ। मालिक ना जाने किसी ने मेरे श्यामू काका का खून कर दिया, यानी श्यामू किसान का किसी ने खून कर दिया और फंसा दिया मेरे स्वामी को, और फंसा दिया तुम्हारे आदमी को। अरे साला 2% का इंसान, इंस्पेक्टर अपनी औकात भूल गया, सारा ये विक्रम सिंह इंस्पेक्टर अपनी औकात को भूल गया, और हमारी ग्राम सभा में यानी किसी का खून खराबा हो जाए तो प्रधान लोगों से मिलना चाहिए, किसी नाजायज इंसान को गिरफ्तार करके ले जाए। पिताजो होते हुए और हमारे होते हुए ऐसा भी कभी हो सकता है? लाजो यहाँ, क्या बात है रे? नौकर तुम जानते हो नौकर, अरे कबीरा इस संसार में, कबीरा इस संसार में भांति भांति के लोग, कबीरा इस संसार में भांति भांति के लोग, और कुछ तो मादर चोद, लेकिन हम दर माता चोद। तुम जानते हो नौकर, अगर जरा सी बदतमीजी किया तो हमसे बुरा कोई नहीं होगा। लाजो चलो तुम हमारे साथ, आज कसम भगवान शंकर की, अगर उस साले इंस्पेक्टर विक्रम सिंह की वर्दी ने उतरा दिया तो मेरा नाम लखपत रहा है फरमान। चलो मेरे साथ, आज तुम्हारे पति बनवारी को मैं छुड़ाऊंगा और साथ में उसकी वर्दी उतराऊंगा। चलो मेरे साथ आओ, चलो मेरे साथ नौकर तुम भी। क्या नहीं, साथ में चलो, चलो आओ लो, चलो हम साथ में लेकर के जाएंगे। चलो ए बेटा, बोलो तुम आज हवेली में रहोगे, केवल थाने में मेरा ही काम है, मैं छुड़ा करके ले आऊं। चलो हम बताएं, पिताजी आप चले जाए और उसको ले लो साथ में, ले जाओ और हम तुम यहीं पर रुके। हेलो, चलो जाओ, हम चले जाए, तुम जाओ, ठीक आओ लाजो। साले क्या बना रहे हो बेटा, बेटा तुम जाओ, इसको मेरे साथ में जाओ लाजो। चलो चलो, मैं आज तुम्हारे आदमी को छुड़ा करके अभी लाता हूं इसी वक्त, और उस साले इंस्पेक्टर की वर्दी बिल्कुल उतरा दूंगा। आओ मैं।
ऐसा करो, जो मेरे देवर विष्णु हैं उनको खत लिख करके डाल दो। तब उनका खत हम लिखते हैं भाई, डाल जब हम पर लिखाई क्या पड़ी। मेरे प्यारे देवर, मेरे प्यारे देवर भाभी आपको नमस्कार करती है। भाभी आपको नमस्कार करते हैं। और तुम्हारे भाई साहब, जेल में फंसे हुए हैं। जेल में फंस गए। एक खत पाते पर घर को चले आओ, जल्दी खत पाकर घर चले आना। ठीक है भैया, इसे भेज दो। अभी मैं क्या भाई डाकिया के यहाँ पकड़ा था, डाकिया हुआ गुप्पन दही जा झप देने। चलो अल्फूल तुम्हें भेजा है खत में, फूल नहीं मेरा काफी समय हो जा चुका है, मेरी नौकरी भी मिल जा चुकी है, लेकिन वर्द उसने धारण करेंगे कि मैं भैया से अपने वादा करके आया था कि जब भी वर्दी हम धारण करेंगे पहले अपने भाई का मैं आशीर्वाद लेने आएंगे, लेकिन आज तक मैंने कोई खत नहीं लिख करके भेजा है। अरे भैया पोस्टमैन, आप कैसे, आपका नाम क्या है? मेरा नाम विष्णु है। विष्णु, अरे यार तुम्हारा हम खत लेके आए। ओ लाइए। ये क्या है? आज हमारा भाई जेल में, भाभी हमारी थर बदर की ठोकरे खा रही है। क्या मेरे मालिक तूने ये क्या किया? कौन सी मेहनत से मेरा भाई मुझे पढ़ाया लिखाया था और आज मेरा भाई जेल में, एक देवता समान मेरा भाई था, इसका मतलब मुझे लाग रहा है ऐसा तो कोई नहीं मेरे भाई को चाल से फंसाया हो। चलो मेरे भाई, ड्यूटी में बाद में ज्वाइन करेंगे, पहले मैं आपसे मुलाकात बहुत जल्द आकर के करें। लाजो, देखो थाना महोली बस थोड़ी दूर रह गया है, और चलो मैं तुम्हारे आदमी को छुड़ा लाऊंगा। ठीक है मालिक, लेकिन लाजो मैं आपसे कुछ कहना चाहूंगा। देखो मैं तुम्हारे ग्राम सभा कुशैला का माना जाना सरपंच मुखिया, किसी का कोई काम पड़ता तो यह सरपंच मुखिया करवाता है। जब मैं तुम्हारे आदमी को छुड़वाने चल रहा हूं, ये बताओ इसका एहसान तुम क्या मानोगे? मालिक, अरे हमारे भगवान हो तुम, तुम्हारा एहसान, मेरे पति जीवन भर तुम्हारे यहाँ तो काम करते हैं। अच्छा देखो लाजो, मैं तुमसे कुछ कहना चाहूंगा, लेकिन बुरा मत मानना, मैं तुम्हारे आदमी को छुड़ाने चल रहा हूं। सुनो लाजो, क्या बात है? और लाजो जान मन तुम पर, ये लाजो जान मन तुम पर, ये जान कुर्बान करता हूं।
आजो अरे जोड़ू दूना अरे हाथ तरफ तुझे जा, इससे मैं तुम्हारी भलाई है वरना लाजो पछताओगी। कभी नहीं लज्जो तो मैं हूं दिल का दीवाना और तू दीवानी हंसी मैं हूं दिल का साले तुमने इतनी जोर से हमारे चक्कर मार दिया। अच्छा जरा सा चौक जाते साले मेरी बत्ती से सब बाहर आ जाती। हम साले जूता मारेंगे वक्त बिच करके। चलो एक बार की कोई बात नहीं। तो मैं हूं दिल का दीवाना और तू दीवानी हसी थोड़ी दिल में जगह मुझको दे दीजिए और आप से प्यार लाजो जो नहीं मानोगे तो तैयार हो जाओ। थाना मोहली भी बहुत दूर है। क्या ये बता क्या मैं तेरे पति को ऐसे छुड़ा लाऊंगा? हाँ तैयार हो जाओ। और आज जी भर के तुझे आज जी भर के तुझे और सीने से मैं लगा उनका लगाऊंगा और कसम भगवान की कसम भगवान की और दिल की तपन का करवा। अरे किधर गई रे? बात का भाई। अरे यार पैर फिसल गया।
पैर फिसे नहीं का हां नौकर ई दे धक कोर का खीसे निकालते है यार जाम मेहरबान के लाते खाते हो यार बस चुप साले किसी ने देखा तो नहीं कोई नहीं मालिक केवल हम है जानते हैं क्या केवल हम है जानते हैं यानी आप ही जानते हैं हां मालिक और कोई नहीं अगर किसी ने चुदुर बुदुर किया तो समझ लो नखपत राय का मामला है कोई जनाब चुपचाप शांत बैठे रहो हां अगर देख लिया किसी के कानों कान आवाज नहीं होनी चाहिए लेकिन मालिक एक काम गलत हो गया क्या है यार बेचारा का लात चुप साले खत्म नौकर अरे लात क्या मार करके गई है तो सोचती है कि मैं अपने आप को बचा लूंगी तो लात मारा मेरे और मुझको गाली दिया लात मारा मेरे तो लात मारा मेरे और मुझको गाली दिया इसमें कुछ भी मेरा खौफ खाया नहीं और नाम अपना मैं लखपत बदल दूंगा मैं घर चला जो को सीने लगाया नहीं घर चला जो को जाऊं